हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज संडे राइड पे भी नहीं गए, कुछ एक्सप्लोर करने भी नहीं गए। उसका रीज़न एक ही है, ये शी इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इसकी वजह से हम लोग नई प्लान बना पाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो अकेला नहीं रह सकती है और हम लोग छोड़ भी नहीं सकते। तो बेसिकली हम करेंगे, तो आज मैं सोचा संडे है तो लेट्स मेक बिरयानी। तो आज हम लोग वेज बिरयानी और हेल्दी बिरयानी का कंसेप्ट मैं हमेशा लेके आता, तो हेल्दी बिरयानी बनाने वाले। तो आज मेरे साथ है रवि, जो मेरा असिस्टेंट जैसे काम करने वाला है, बनाने में हेल्प करने वाला है। तो गाइस, मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छा लगे तो शेयर करना, कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। सो बेसिकली बिरयानी हम स्टार्ट किए हैं बनाने के लिए। तो बिरयानी राइस हम लोगों ने 1 kg ऑर्डर किया, ताकि मैं हम लोग शेयर कर सकते अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी लोग के साथ। तो ये उसका बिरयानी का राइस है जो रवि असिस्ट कर रहे हैं अपना धोने के लिए, क्लीनिंग के लिए। प्लस उसके अंदर हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें भी ऐड करने वाले। आप देख रहे हो मैंने सोयाबीन यहाँ पे रखा है इसको भिगाने के लिए, और जैसे दिख रहा है आपको तेज़पत्ता, स्प्रिंग ऑनियन, फिर आप देख रहे हो वहाँ पे चिल्ली बीन्स और अपना कॉलीफ्लावर वहाँ पे रखा है। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स लिए जिसको मैं कट करने का प्रोसेस चालू करने वाला हूँ। तो वेजिटेबल्स मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा पूरा भर भर के वेजिटेबल्स हैं इसमें। आपको दिख रहा है ब्रोकली, फिर ये ऑनियन, टोमेटो, फर्सी आप देख सकते हो, शिमला मिर्च, ये हो गया मशरूम, फिर इसके आगे आपको कैरेट, ये दिख रहा है आपको बेबी कॉर्न। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड करने वाले। तो पहले मैं इसको फटाफट कट कर लेता हूँ। राइस को स्टीम पे थोड़ा रखता हूँ हल्का सा, और उसके बाद वो प्रोसेस हो जाएगा। तो कटिंग के बाद हम लोग उसको बनाएंगे, बनाते वक्त मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगा, तो आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने इसमें हॉट मतलब बड़ा का टोप लिया है, इसको गर्म किया, उसमें अभी मैंने ऑनियन डाला, इसको रोस्ट करूंगा। इसका कलर जब तक ब्राउन नहीं होगा ना, तब तक इसको हल्का हल्का रोस्ट करूंगा। उसके बाद अदर इंग्रेडिएंट्स है वो उसमें मैं डालूंगा, और आपके साथ सारे प्रोसेस शेयर करूंगा। तो आप लोग देख रहे हो इसका कलर जो है ऑलमोस्ट थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो चुका है, और वेट करेंगे 5 मिनट थोड़ा और डार्क ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम लोग अदर इन्ग्रीडियंट्स इसमें डालेंगे और उसको भी फ्राई करेंगे अच्छे से। तो काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसमें अंदर डाला है टोमेटो, टोमेटो को भी थोड़ा पकने देंगे। उसके बाद ये जो धीरे धीरे सारे इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे, और उसके बाद स्पाइस डालेंगे। उसके बाद जब वो प्रॉपर अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तो आप उसके अंदर चावल डाल के इसको पक्का फिनिशिंग देंगे एकदम बिरयानी वाला। हम लोग देखिए, ये है सुनील भाई, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और ये देखिए ये कैमरा मैन है सुनील भाई के। हमारे पास तो अभी हमारा बजट इतना पास नहीं हुआ, इसके लिए खुद ही अपना खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज हम लोग बिरयानी बना रहे हैं, ये तो टोमेटो भी अच्छे खासा रोस्ट हो गया है। इसके अंदर मैंने डाला शिमला मिर्ची, ये भी थोड़ा पकने के बाद इसमें मैंने बाकी ये ऐड करूँगा, ताकि इसको ज़्यादा टाइम लगे, फिर इसको डालूंगा ब्रोकली, और जो ये मशरूम इसको एंड में डालूंगा, और ये पहले डालूंगा, क्योंकि इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पकने के लिए, और ब्रोकली और मशरूम को हल्का टाइम लगता है। तो वो सारी चीज़ें मैं लास्ट में डालूंगा, आपको धीरे धीरे शेयर करते रहूँगा। टाइम जैसे कि आप देख रहे हैं,
सारा वेजिटेबल्स मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं पकाऊंगा पहले अच्छे से, उसके बाद राइस वाला प्रोसेस स्टार्ट। 12 स्पाइसेस ऐड कर दिया मैंने, तो इसमें एंड में सॉल्ट डालूंगा और तो थोड़ा पकने दूंगा, पकने के बाद राइस डालूंगा। No branding. अभी और थोड़ा टाइम लगेगा जो मसाला पकने के लिए, उसके बाद हम लोग एंड में डालेंगे कर्ड जो यहाँ पे रेडी रखा है। ये जैसे पक जाएगा ना उसमें कर्ड ऐड करेंगे, उसके बाद राइस का लेयर बनाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है मसाला ज़्यादा हो गया? ज़्यादा हो गया हाँ, ऐसा लग रहा है। तो गाइस फाइनली अपना बिरयानी रेडी हो चुका है। मैंने देखा उसका एंड का जो प्रोसेस है दम करने का, वो मैंने रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने बटर भी थोड़ा ऊपर से बोलते हैं ना गार्निश करने के लिए बटर भी डाला है मेल्ट करके, और थोड़ा सा ये कोरिएंडर भी डाला है। तो अभी 5 मिनट इसको इस पर रखेंगे, उसके बाद इसको उतार देंगे क्योंकि हो गया ऑलमोस्ट। देखो अभी फील भी हो रहा है, काफ़ी गर्म हो चुका है, तो ये निकालेंगे और मैं आपको बताता हूँ। ये देखो गर्मा गर्मा बिरयानी रेडी हो चुका है, अब इसको हम लोग सर्विंग के लिए लेके जाएंगे और खाएंगे और आपको दिखाऊंगा टेस्ट वगैरह कैसे। ये देखो सर्वर आया है प्लेट लेके खाने के लिए, अभी इससे पूरा बर्तन साफ करवाना है। मेन चीज महिला है। हाँ मेन चीज नहीं, हमारे पास बर्तन है। पोकट के फोकट 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 FOKT फोकट FOKT तो फाइनली सब लोग आ गए, अभी हम लोग इधर बिरयानी भी रेडी हो गए, अभी हम लोग सर्व करेंगे और खाएंगे। ये कुशिंबिर किधर है? बहुत अच्छा भी खुशिमबीर भी रेडी करके रखा ही था हम लोगों ने। चलो बैठो धन्यवाद।